हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि मैं सीट 1 में कुछ टाइप करना चाहता हूं। वो टाइप जैसे कि लोअर लेटर भी हो सकता है, अपर लेटर भी हो सकता है, और या प्रॉपर लेटर भी हो सकता है। बट जिसका एक क्वेश्चन है, उनका कहना है कि सर, मैं कुछ भी टाइप करूं और एंटर प्रेस करते ही वो इस तरह का अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, अपर केस में कन्वर्ट। अब ये चीजें वीवीए प्रोग्रामिंग के अलावा नॉर्मल एक्सेल से नहीं हो सकता है, तो वीवीए के थ्रू इसको हमें करना पड़ेगा। कैसे करें वीवीए के थ्रू? इसके लिए हमें इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट ही जो है आपके रियल टाइम एक्शंस को रिपीट करता है। जैसे एंटर मारते ही अपने आप वर्क हो जाए, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की ऑन कर लें, कि डेली बेसिस पे मैं 5 से 10 वीडियोज अपलोड करता हूं, इसी तरह की ट्रिकी वीडियोज। और साथ में मेरे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लें। जी हाँ, मेरा मोबाइल ऐप है Excel MIS ट्रेनिंग। जी हाँ, Excel MIS ट्रेनिंग मेरा मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर में बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल हम देते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। बहुत सारे फ्री वीडियोस, थ्री की और अच्छे अच्छे वीडियोज हम यहाँ पे डालते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा, इसके चैट सेक्शन में चैटिंग वगैरह होती है, जिसमें अपनी प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, तो जो भी जॉब की वैकेंसीज होगी वो आपको मिलती रहेगी। जैसे देखिए, अभी हमने एक जॉब की वैकेंसी डाली है, कल भी हमने डाली थी, तो हर डे हम जॉब की जो अपडेट है मैं इस अपने ग्रुप में डालता हूँ, और ग्रुप में डालते ही आपके पास पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे साथ, और आप जो है अपने जॉब्स के रिलेटेड भी अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा स्टोर सेक्शन में आप जाइएगा तो स्टोर सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहे तो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लें। बैक टू टॉपिक, आपको जरा बोर नहीं करूंगा मैं। तो कैसे करें? तो हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम जाते हैं यहाँ व्यू कोड, और यहाँ वर्कशीट, और यहाँ सिलेक्शन चेंज नहीं, यहाँ हम कर देते हैं बिफोर, नहीं चेंज भी, क्योंकि चेंज होता है ना जब भी कोई टाइप करो। और फिर यहाँ पे सिंपल सा हमें करना है टारगेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल सा एक लाइन कोड लिखना। लेकिन इसको लिखने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने क्या बोला है, चेंज हमने बोला है चेंज, कि जहां भी चेंज हो उसको अपर में कन्वर्ट कर दे। बट एक छोटी सी और प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि अपर में चेंज करना भी तो एक तरह का चेंज है, ये माइक्रो कभी खत्म ही नहीं होगा, चेंज होगा फिर चेंज होगा फिर चेंज होगा, तो इस तरह के एरर आ जाएगा। तो यहां पे हमको एक एप्लीकेशन देना है, एक यहां पे कोड डालना होगा, एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स। और जब मेरा कोड अप्लाई हो जाएगा तो हमें यहां पे क्या करना है, ट्रू, ताकि नेक्स्ट चेंज पे हमारा वर्क हो। देखते हैं ट्राई करके। रवि, ओके, ओम प्रकाश, चेंज हो गया। कहीं भी चेंज करें, यहां भी लिखते हैं, हमें यहां पे पप्पू लिखा,
अच्छा कन्वर्ट हो गया, कहीं भी टाइप करेंगे हो जाएगा। अब क्या हम कॉपी पेस्ट मारेंगे तो ऐसा हो जाएगा? जैसे कि हमने उदय लिया, उदय को कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, कन्वर्ट हो गया। अब बहुत सारे नाम हो तब क्या होगा? कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर, ओके। बहुत सारे वैल्यू होने पे प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें हम चेंज करेंगे। यहाँ पे एक लेते हैं, फोर इच लगाना पड़ेगा इसमें। तो डिम आर एज अ रेंज, यहां देना पड़ेगा फोर इच आर इन टारगेट, और फिर यहां पे हमें देना होगा आर डॉट वैल्यू आर। इस तरह से हर एंगल में चेक करना जरूरी होता है, थोड़ा सा हो गया और खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम माइक्रो के कई सारे टेस्टिंग से गुजारते हैं कि कई सारे टेस्टिंग से गुजरे हैं। टेस्टिंग करने से पता चलता है कि हाँ हमने प्रोग्राम लिखा है तो किस किस सीक्वेंस कंडीशंस में सही वर्क कर रहा है और किस कंडीशन में वो गलत वर्क कर रहा है। अब मैं यहां पे इसको कॉपी करता हूं और यहां पे देखिए वर्क नहीं किया, इसके पीछे रीजन है, एरर आ गया था ना, तो फॉल्स था इसलिए रे हुआ है। तो इसके लिए हमें एक बार इसको रन करना पड़ेगा क्योंकि इवेंट को फॉल्स कर दिया गया है, वर्क करेगा। अब कॉपी पेस्ट करने पे भी हमारा चेंज हो जाता है। ये आपका कोड है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मैग्निफाई कर देता हूं ताकि आप लोग इसको सही से देख पाए, जो लोग मोबाइल डिवाइस में यूज कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। सिंपल सा हमने कोड लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करना हो तो आप मेरे जूम ऐप के थ्रू मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मोबाइल ऐप पे मेरे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।